नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ में हैरान करने वाली वारदात, 7 वर्ष के बच्चे पर 6 वर्षीय बच्ची से रेप का आरोप, पास्को एक्ट बलात्कार का मुकदमा हुआ दर्ज। गेंद लगने पड़ोसी के घर गई 6 वर्षीय मासूम किशोरी के साथ किराए के मकान पर रहने वाले 7 वर्षीय लड़के ने बाथरूम में बंद कर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने पास्को एक्ट और धारा 376 का मुकदमा किया दर्ज। अलीगढ़ जिले की सीमा से लगे हाथ रस कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई है कि अब अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पड़ोस की रहने वाली 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले 7 साल के ही लड़के पर किशोरी के परिजनों के द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। घटना आज से करीब दिनांक 12/10/2020 समय करीब 3:30 बजे की है। कार की घटना आज से करीब कई दिन पहले की बताई जा रही है। पीड़ित किशोरी के परिजनों के द्वारा बलात्कार की घटना के कई दिन गुजरने के बाद पुलिस के सामने पूरा घटनाक्रम बताते हुए शिकायत की गई, जिसके बाद दिनांक 17/10/2020 की रात थाना क्वारसी पहुंचकर तहरीर देते हुए FIR दर्ज कर मुकदमा लिखवाया गया। थाना क्वारसी पुलिस बलात्कार की घटना सुनते ही तुरंत हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में बलात्कार की शिकार मासूम 6 वर्षीय बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। क्वारसी क्षेत्र में अनूप शहर रोड की चौकी नगला पटवारी इलाके में रहने वाली एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे की उम्र 6 साल है। घटना के कई दिन बाद शनिवार की रात 6 वर्षीय मासूम बच्ची को लेकर पीड़ित माँ क्वारसी थाने पहुंची। किशोरी के पीड़ित मालिक के द्वारा बताया गया कि उसकी 6 वर्षीय बेटी के साथ किराए के मकान में रहने वाले पड़ोस के बच्चे ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने कहा कि घटना दिनांक 12 अक्टूबर दोपहर 3:30 बजे की है, जब बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। उसी दौरान गेंद से खेलते हुए उसकी गेंद पड़ोसी के घर के अंदर चली गई थी। उसी दौरान जब बच्ची अपनी गेंद लेने पड़ोसी के घर गई तो पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले परिवार के बच्चे ने बच्ची को पकड़ लिया और उसके बाद बेटी का मुंह दबाकर घर के अंदर बने बाथरूम में ले गया, जिसके बाद बच्ची के साथ लड़के द्वारा अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म किया गया। बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद दुष्कर्म पीड़ित बच्ची ने परिवार के अंदर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन घटना के कई दिन गुजरने के बाद रात के समय जब पेशाब में अचानक हुए दर्द के साथ जब बच्ची रो पड़ी तो 6 वर्षीय बच्ची को जब पेशाब की जगह देखा गया तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में कुछ परेशानी दिखी। माँ के द्वारा बच्ची से पूछने के बाद बच्ची ने घटना की जानकारी दी। सूचना पर क्वारसी थाना क्षेत्र छोटे लाल मौके पर पहुंचे तो आरोपी बच्चे को देखकर दंग रह गए। थाना अध्यक्ष के अनुसार आरोपी की मां ने उसकी उम्र 6 साल बताई। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराते हुए दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में आरोपी बच्चे की उम्र का भी उल्लेख नहीं किया गया है। बच्ची के प्रमाण पत्र के अनुसार बच्ची की उम्र अभी 5.5 साल और जन्म तिथि मार्च 2015 है। क्वारसी में बच्ची संग दुष्कर्म का आरोप बच्ची के हम उम्र लड़के पर लगा है। बच्ची की मेडिकल परीक्षण कराया गया पर बच्ची की रिपोर्ट में अभी भी स्पष्ट नहीं है। वहीं आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर उम्र का परीक्षण कराने की अनुमति ली जाएगी, जिसके बाद ही बच्ची पर कोई कार्रवाई तय हो पाएगी। इस पूरे मामले पर आरोपी लड़के ने कहा कि जब वह अपने घर पर थी उसी दौरान पड़ोस की रहने वाली बच्ची उसके घर पहुंची और लड़के की तरफ गलत काम करने के लिए कहते हुए इशारे भी किए गए तो लड़के ने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली, जिसके बाद लड़का घर का दरवाजा बंद कर लड़की को धक्का देकर लड़की को रोते हुए छोड़कर अपने घर अंदर चला गया। इसके बाद पड़ोस की रहने वाली लड़की दरवाजा खटखटाते हुए दरवाजे को खोलकर लड़के को धक्का देकर घर के अंदर घुसकर घर में बने बाथरूम के अंदर घुस गई थी। घटना 4-5 दिन पहले की है। लड़के ने कहा, मैंने लड़की के साथ कुछ नहीं किया। अलीगढ़ SP सिटी अभिषेक ने बताया कि थाना क्वारसी में एक तहरीर आई है। एक 5 से 6 साल की लड़की के साथ माता ने तहरीर लिखी, उसके साथ गलत काम के संबंध में उस पर पास्को एक्ट की समुचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोपित किया है कि वो भी एक नाबालिग है और उसकी उम्र तकरीबन 10 वर्ष से कम 7 से 8 साल उम्र है। उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत
आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। बेटा तुम्हारा? अयाज। अयाज, क्या करते हो तुम? कुछ नहीं। ये कल क्या हुआ था, क्या बात हुई थी कल? कल हमारी अम्मी ला रही थी ये कुंडी वह के भाग रही थी, तो हमने खोल के देखा तो हमने की तो आप कुंडी क्यों बजा रही हो, तो हमने ये घर में आ घुसेर रही थी तो हमने ढक्का मार दिया तो रोने लगी, तो हमारी अम्मी कह रही थी कौन है, मैंने कह दी बराबर वाली लौंडी है, कह रही है ऐसे ऐसे काम करेंगे, मगर मैं पता नहीं क्या होता है गलत काम ये नहीं पता मुझे, फिर इनकी लौंडी में ये मारने लगी चाटे चाटे, फिर मैं कुंडी लगा के अंदर आ गया, फिर क्या बोला ये ऊपर से इशारे कर रही थी। कैसे इशारे कर रही थी ये नहीं पता सर। अच्छा, तो कोई आपने गंदा काम किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इशारे किस टाइप के कर रही थी? कैसे इशारे कर रही थी ये वाले? आप हुआ हाथ ऊपर करके बताओ कौन से वाले इशारे? और ऊपर हाथ करके बताओ कैसे इशारे कर रही थी? आपने कुछ नहीं किया? ठीक है, इस मकान में आए हुए मुझे 1.5 महीने करीब होगा, ना इससे मेरी कोई लड़ाई, ना मेरी कोई दंगा, ना कोई मुँह चोदी। 12 तारीख को इनने मेरी घरवाली से खुद बदतमीजी बोला, बोलने के बाद कोई बात नहीं, मैंने उस पर भी रफे दफे करा, मैं चलो महल्ले पड़ोस में होता है कोई बात नहीं है, किसी ने कही किसी ने सुनी। उसके बाद शाम को मैंने अपने बच्चों को ही नसीहत करी कि घर से बाहर नहीं निकलना बेटा, बिल्कुल भी वक्त ख़राब है। उसके बाद पता पड़ी कि इनने उसी दिन हमारे दूसरे दिन घरवाली हमारी नहा रही तो ऊपर से ताका झाकी शुरू कर दी। ताका झाकी शुरू करने के बाद बेटी को अपनी को गेट खटखटाने भेज दिया बार बार, वो डिस्टर्ब कर रही है नहा रहे, तो बच्चे ने हमारे ने गेट खोल के देखा, सिर्फ यही कही है उनने कि हमें क्यों परेशान कर रहे हो, गेट से जब धक्का मार रही है बार बार उन्होंने बाहर सरका दिया है कि चलो अपने घर जाओ, क्यों हमें परेशान कर रही हो। इसमें इसने हमारे बच्चे के खिलाफ और हमारे खिलाफ इतने बड़ा ये कानून कार्रवाई कर दी है, और कुल मिला के ये है कि हमें बार बार ये धमकी दे रहा है कि तुझे कर्री से कर्री सजा दिलाएंगे कि जिससे तू बच ही नहीं पाएगा किसी तरीके से। कितने साल का बच्चा है आप? बच्चा हमारा 6-7 साल का है। आप क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, निवास के राउंड में गाड़ियों का काम है मेरा। तो ये जो आपका बच्चा है ये मतलब का ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ इसकी मान नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बेटी हमारे घर में नहीं आई, हमारा बेटा उसके घर नहीं जाता, ये तो हमें गली से गली बाहर से बाहर गुमराह करा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आपको फंसाया जा रहा है? जी, जिसमें हमारे 3-4 दिन से पुलिस भी हमारे साथ है, वो भी देख रहे हैं कि हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल रहा। हमारी बीवी या तो घर में या अंदर कलाम पाक पड़ती रहती है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है कि जो भी मकान मालिक किराएदार आएगा इसमें मेरा गुलाम बन के रहेगा, रंजिश इसकी मकान मालिक से ही हमसे लगा ला है। पहला किराएदार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ ये 3 बच्चे हैं। क्या बच्चे पढ़ते हैं या घर में रहते? नहीं नहीं, मैंने तो ये 9-10 महीने पहले दूसरी शादी करी है जिसमें मेरी बीवी भाग गई थी, 2 साल हो गई उसका इंतजार करते हुए, वो नहीं आई, सब लोगों के सहयोग से मैंने उठा के इससे निकाह कर लिया, ये भी परेशान टाइप की है। तो ये जो आपका बच्चा है ये पहली बीवी से दूसरी से? नहीं, दूसरी बीवी से। थाना पारसी में मायदा देव की घटना क्या है? देखिए, थाना पारसी में जो है एक तहरीर आई थी एक 5-6 साल की बच्ची के साथ, उसके माता ने जो है ये तहरीर दी, उसके साथ जो है गलत काम के संबंध में तत्काल जो अभियोग पंजीकृत किया गया पॉक्सो के समक्ष थाना में। इसमें जिनको उन्होंने आरोपित किया है वो भी एक माइनर है और उसकी भी उम्र काफ़ी कम है, वी डोंट हैव द एग्जैक्ट एज, उसकी भी उम्र 10 वर्ष से कम, तकरीबन 7-8 साल प्रॉब्लम। तो इसमें जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो है समुचित धाराओं में जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।